अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मैथ क्लास बायोलॉजी सेकंड चैप्टर फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस आपका टॉपिक होगा। हमने लास्ट टाइम स्टार्ट किया था हाउ वी कैन सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, तो उसमें डिफरेंट स्टेप डिस्कस किए। फर्स्ट स्टेप हमारा था हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, फिर हमने बात की ऑब्जर्वेशन के बारे में। थर्ड पॉइंट हमारे पास है फॉर्मुलेशन ऑफ द हाइपोथेसिस। फर्स्ट वन हाइपोथेसिस होती क्या है? Simply the tentative explanation of the observation is known as the hypothesis. आपके पास कोई भी शायदात है, आप उनकी मदद से अपनी biological problem को solve करने के लिए एक ऐसी authentic statement तैयार करेंगे जो आपकी biological problem के answer को explain कर रही है, और उस statement को हम लोग क्या नाम देंगे? Hypothesis का नाम देंगे। And after this one, फर्स्ट हम एग्जांपल डिस्कस करें, लाइक प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। जैसे हमने लास्ट टाइम बात की थी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग के बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या, हमने वहां पे एग्जांपल पढ़ी थी व्हाट इज द कॉज ऑफ मलेरिया। फिर हमने ऑब्जर्वेशंस की, कुछ मिशाइदार की, कुछ डेटा कलेक्ट किया। उसके बाद हमारे पास अब यहां पे एक स्टेटमेंट आई है, वो ये कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। तो दिस वन इज अबाउट द हाइपोथेसिस। एंड नाउ what's about the characteristics of the hypothesis? The first one should be the tentative idea, it should be general statement, it should be agree with the available observations, it should be kept as simple as possible, it should be testable or potentially falsifiable. But aap jo bhi statement taiyar kare wo ek amumi bayan ho, ek aisa mafruza ho jisko samajhna aasan ho, har ek ki samajh mein cheez aa rahi ho ki aapne jo statement taiyar kiya wo simple ho, वो ज्यादा सादा होनी चाहिए कि हर एक पर्सन, हर एक बंदा जब उसको सुने तो उसके ज़हन में वो बात बैठ जाए, उसको समझना उसके लिए आसान हो। हमारी हाइपोथेसिस की खुसियात में चीज शामिल होनी चाहिए। फर्दर हम जो भी स्टेटमेंट बनाए वो स्टेटमेंट ऐसी हो जिस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जा सके, जिस पर टेस्ट किया जा सके, जिसकी मदद से हम ये चीज प्रूव कर सके कि आया कि हम जो बात कर रहे हैं, जिस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम जो स्टेटमेंट तैयार की है, आया कि वो करेक्ट है या नहीं, ये तो चले बात पता चलेगा, लेकिन हम उसकी बेस पर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, उसकी बेस पर टेस्ट कर सकते हैं, और उसमें गलत होने के चांसेस भी होने चाहिए ताकि हम नए नए ऑब्जर्वेशन इकट्ठी करें, नए नए स्टेटमेंट्स तैयार करें, नए नए एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करें ताकि हमें सीखने को ज्यादा मिले और हमारे प्रॉब्लम का हमें ऑथेंटिक रिजल्ट मिल सके। तो दिस वन इज अबाउट द हाइपोथेसिस। नाउ आफ्टर दिस वन the fourth step is a deduction. Now what's about the deduction? हम hypothesis की मदद से experiment perform करने से पहले एक और statement तैयार करेंगे जिसको हम लोग क्या नाम देंगे? Deduction का नाम देंगे। And this is the logical consequence of the hypothesis. This now has a deduction. कि आप तो hypothesis से एक logical statement तैयार करेंगे और उसको हम लोग क्या नाम देंगे? Deduction का। और इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे? if और then का लॉजिक यूज करेंगे। if और then का लॉजिक कैसे यूज किया जाएगा? जैसे एग्जांपल हमारे पास है कि if the plasmodium is a cause of malaria, अगर मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है then, तो आप देख सकते हो कि हमने यहाँ पे if और then का लॉजिक यूज किया है अपने डिडक्शन को बनाने के लिए कि if प्लाज्मोडियम इज अ कॉज ऑफ मलेरिया, तो अगर प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है तो all persons ill with malaria, तो वो तमाम लोग जो मलेरिया से मुतासिर हैं should have plasmodium in their blood, तो उनके खून में ब्लड में प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई आपका मलेरिया की वजह प्लाज्मोडियम है, तो जितने भी लोग मलेरिया से बीमार हैं उनके ब्लड में प्लाज्मोडियम होना जरूरी, देन हम ये बात प्रूव कर पाएंगे कि हाँ हमने जो स्टेटमेंट तैयार की थी, हमने जो हाइपोथेसिस तैयार की थी वो गलत नहीं थी, वो ठीक। और अब इस चीज को प्रूव करने के लिए हम एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे। नंबर्स अबाउट द एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन हम लोग बात करें तो बेसिकली बायोलॉजिस्ट आर परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू सी इफ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। मतलब हमारे पास जितने भी बायोलॉजिस्ट हैं वो एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करते हैं सिर्फ क्या देखने के लिए, आपके पास जो हाइपोथेसिस है, जो जनरल स्टेटमेंट आपने ऑब्जर्वेशन से तैयार की थी वो ट्रू है या नहीं, इस चीज को हम देखने के लिए क्या यूज करेंगे? एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे। और फॉर दिस पर्पस टू ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज्ड,
One is the control group and one is the experimental group. Now what's about the control group? Control group is a group of healthy organisms. मतलब जितने भी सेहतमंद लोग हैं, the group of healthy organisms are placed in the control group and experiments are performed on the basis of these organisms. जितने भी तजुर्बात perform करेंगे, experiments perform करेंगे, all are on the basis of these organisms, or you can say that we are going to perform the experiment on the basis of the control group. This one is about the first group. And the second group is the experimental group, tajrubati group. ये ऐसा group है जिसमें infected organism, मुतासरा जानदारों को हम यहाँ place करेंगे और इन पर experiments perform करेंगे. Experiments are performed on these organisms. This one is about the experimental group. जैसे सपोज करें कि हमारे पास यहाँ पे थ्री प्लांट्स हैं, ए बी और सी. ए प्लांट जो है, दिस वन इज अबाउट द कंट्रोल ग्रुप. हम इसे कंसीडर करेंगे क्या है, कंट्रोल ग्रुप है. एंड नाउ वी वांट टू चेक आउट देयर इज अ लाइट इज एसेंशियल फॉर द फोटोसिंथेसिस आर नॉट. एंड कंट्रोल ग्रुप की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस रिक्वायर्ड है इस प्लांट को photosynthesis perform करने के लिए. And now we want to check out that is this right or not. For this purpose we are having two different plant. One is the plant B and plant C, and both are placed in the experimental group. और दोनों को experimental group में हम लोग क्या करेंगे, place करेंगे. And after this one, now we are going to provide the light to plant B. हम इसे light provide करेंगे. बट प्लांट सी को लाइट प्रोवाइड नहीं करेगा. अब क्या होगा, आफ्टर सम टाइम हम ऑब्जर्व करेंगे कि आपका जो प्लांट बी है इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस द फूड, इसमें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म हो रही है, जबकि प्लांट सी जो है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर रहा. अब इसका मतलब क्या होगा कि लाइट जो है वो बेसिक कंपोनेंट, बेसिक फैक्टर है जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को कंट्रोल करता है. तो कंट्रोल ग्रुप में जो प्लांट था वो फोटोसिंथेसिस कर रहा था, लाइट भी कर रहा था. तो हमने क्या किया, हमने फिर चेक किया क्या ये ब्राइट है या नहीं. तो हमने टू प्लांट बी और सी, बी को लाइट प्रोवाइड की और सी को प्रोवाइड नहीं की, और ये दोनों हमारे पास क्या थे, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर. तो हमने क्या देखा कि प्लांट बी ने तो फोटोसिंथेसिस की क्योंकि उसको लाइट मिल रही थी, पर सी ने फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म नहीं किया, फूड प्रिपेयर नहीं की क्योंकि उसको लाइट अवेलेबल नहीं. तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो स्टेटमेंट है कि लाइट इज रिक्वायर्ड फॉर परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस राइट, ये एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म होगा. थ्योरेटिकली इसे हम प्रूव नहीं कर सकते, इसको हम एक्सपेरिमेंटली ही प्रूव करेंगे. सो दिस वन इज अबाउट द एक्सपेरिमेंटेशन. एंड आफ्टर दिस वन द लास्ट टू स्टेप, वन इज समराइज द रिजल्ट एंड वन इज रिपोर्टिंग द डेटा. तो आप जितने भी एक्सपेरिमेंट किए हैं, हाइपोथेसिस बनाए, इंडक्शन बनाए, जब एक्सपेरिमेंटेशन किया, तो यहाँ से जो भी आपको डाटा कलेक्ट होगा आप उसको समराइज करेंगे, इसमें से जो ऑथेंटिक आपके बेसिक पॉइंट्स हैं वो सेपरेट करेंगे और एक उसकी समरी तैयार करेंगे. एंड आफ्टर दिस वन आप उसको रिपोर्ट करेंगे डिफरेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और बायोलॉजिकल कॉन्फ्रेंस. ठीक है, तो ये आपकी रिपोर्टिंग ऑफ द रिजल्ट होगा कि आपने जो काम किया है आप उसको आगे फर्दर रिपोर्ट करेंगे. तो ये आपके डिफरेंट स्टेप्स थे टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम. तो ये हमारा लेक्चर था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में वो बात करेंगे अबाउट द मलेरिया. थैंक यू.